बाबा का आशीर्वाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही सुंदर सुंदर खास आकृतियाँ आती रहती हैं, तो आज आप देखें कितनी सुंदर आकृति है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और येलो और नीले कलर का विशेष उनका पहनावा है। आप देखते ही हैं कि संत महात्मा ऑरेंज कलर या पीले वस्त्र धारण करना पसंद करती हैं। तो आपकी आकृति पर कोई विशेष योगी का आगमन हुआ है, ये आपका ही कोई पूर्वज भी हो सकता है या आपका कुल देवता भी या नगर देवता भी हो सकता है। हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है, तो आपके वहाँ पर जिस नाम से पुकारा जाए आप उस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि कई व्यक्ति उनको कुल देवताओं को अलग रूप में पूजते हैं, अलग नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप हमारी विशेष बातों को समझने की कोशिश करें। देखो कितना पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है और एक विशेष आकृति बनी हुई है, तो इसका मतलब इन्होंने ये वस्त्र धारण कर रखे थे और शिव की ये विशेष पूजा करते थे। ये हमारे विशेष श्राद्ध पक्ष में आए वे विशेष आकृतियों का वर्णन आप देख रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में सभी एक अलग सा अनुभव कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब आप दूसरी आकृति देखें। इस आकृति में आप एक साथ छोटे 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 बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारे बिंदु होते हैं और विशेष चीज़ों से वो जुड़े रहते हैं। आप जब इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक तरह से दो चीज़ों का जुड़ाव है। इसमें इधर आपको महसूस होगा कि एक साथ कम से कम 20-25 डॉट बने हुए हैं और साथ में एक ऐसा आकृति है जिसको हम देखें तो शिवलिंग का रूप भी दिखता है, माँ के चरण भी दिखाई देते हैं। अब ये एक और अद्भुत आकृति आप देखें, जिसमें बीच में अगर हम ध्यान से दिखाई दें देखेंगे तो बीच में ऐसा लगेगा जैसे कि विशेष गरुड़ जी महाराज बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति राम जी की या विष्णु भगवान के किसी भी रूप की विशेष पूजा करता है, रामायण का पाठ करता है या कोई भी ऐसी पूजा करता है, तब उसके साथ ऐसा अनुभव जरूर होता है। अगर किसी को स्पेशल गरुड़ जी की ही आकृति देखनी है तो चैनल पर वो पहले से है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, जैसे एक इमली का बीज होता है इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। क्योंकि हर व्यक्ति एक बीज के रूप में ही विद्यमान शक्तियों से भरा होता है। अब अगर आप इधर से देखेंगे तो चंद्र के साथ और एक योगी बैठे दिखाई देंगे। अब बहुत सारे लोगों को पितरों के ऐसे ही दर्शन होंगे, नाग रूप में या कोई बैठे हुए व्यक्ति के रूप में या बिल्कुल सीधी आकृति या बिल्कुल सीधी जोत बिल्कुल वाइट रंग में दिखाई देगी। और जैसे ही अब नवरात्र आएंगे तो सबकी आकृतियाँ बदल जाएंगी और आप देख भी पाओगे। तो बहुत सुंदर आकृति है, पूरा ये लगा लो जैसे एक बड़ा सा चंद्र का रूप जो अध खिला हो, पूर्ण ना हो। अब ये देखो विष्णु भगवान की या ये कह सकते हैं चंद्र ही चंद्र गुच्छ इस में विशेष बनाई
कि चंद्र का समूह या विशेष ग्रह आपको क्या फल देगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बोलो जय